प्रणाम स्टूडेंट बेटा, वेलकम यू ऑल। आज फिर हम अपना एक बहुत इजी चैप्टर ले रहे हैं। एक्चुअली हमारे सितंबर मंथ का कुछ चैप्टर्स बहुत इजी हैं। चैप्टर नंबर 53 अगर आप देखोगे तो ये आपके वर्कबुक का लास्ट चैप्टर है। प्रोवर्ब। प्रोवर्ब किसको कहते हैं? जो कहावतें वगैरह होती हैं ना, जो मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, उसके बारे में बहुत ही सिंपल चैप्टर है। मैचिंग दिया गया है इसमें, आधा पार्ट ए में है और उसका आधा बी में है। ठीक है, हम ब्रैकेट देखते हैं। ऊपर पहले जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। लास्ट ईयर वी लर्नड व्हाट प्रोवर्ब्स आर। पिछले साल आप लोगों ने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्रोवर्ब्स क्या है। कोटिंग राइट प्रोवर्ब्स ऑन राइट ओकेजन इन अवर स्पीचेस मेक इट ल्यूसिड एंड इफेक्टिव। मतलब जैसे आप स्पीच वगैरह दे रहे हो, बीच बीच में आप किसी कहावत का, मुहावरों का, प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हो ना सही जगहों पर, सही प्रोवर्ब का, तो उससे आपकी स्पीच क्या हो जाती है, बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली हो जाती है, बहुत ही मतलब सुनने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। सम कॉमन प्रोवर्ब्स आर गिवेन इन द टेबल बिलो इन टू पार्ट्स। कुछ ऐसे ही कॉमन प्रोवर्ब्स नीचे टेबल में दो हिस्सों में दिए गए हैं। कॉलम ए कंटेन्स इन द फर्स्ट पार्ट वाइल कॉलम बी कंटेन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोवर्ब्स ऑल मिक्सड अप। पार्ट कॉलम ए में हमको पार्ट वन दिया है जबकि कॉलम बी में पार्ट टू दिया है। सेकेंड पार्ट मतलब आधा ए में है, उसके आगे का आधा बी में है। मैच द करेक्ट पार्ट्स एंड राइट देम आउट बिलो द टेबल इन द प्रॉपर सीरियल ऑर्डर। आपको उसको मैच करना है और सही सीरियल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, देख लो टोटल 12 प्रोवर्ब्स हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैं आपको ओरली करा दी हूँ, इसका पीडीएफ आपको सेंड करूँगी, आपको उसमें से इसको लिखना है। अ स्टिच इन टाइम। अ स्टिच इन टाइम फर्स्ट का क्या आएगा बेटा? एफ आएगा, सेव्स 9। सेकेंड, लुक बिफोर यू लीप, मतलब सेकेंड का आएगा डी, मतलब हमेशा छलांग लगाने से पहले आपको देखना चाहिए। थर्ड, एवरी क्लाउड। एवरी क्लाउड थर्ड का क्या आएगा? के बाद है एल, एल आएगा, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नंबर फोर, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। फोर नंबर का ए आएगा, है ना, कभी भी बना कुछ बनाने के लिए कभी देर नहीं होती है। नंबर फाइव, एज यू सॉ सो सेल यू रीप, यानी फाइव नंबर का क्या आएगा? जे आएगा, जैसा वो कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही तुम पाओगे, तो एज यू सॉ सो सेल यू रीप। नंबर सिक्स, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सेवन नंबर का क्या आएगा? बी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो खाना एक ही जन बना सकती है, अगर एक ही खाने को 10 लोग बनाने चले जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, वो खाना ख़राब हो जाता है। अगर एक ही इंसान बनाएगा तो व्यवस्थित होगा। नंबर सेवन, अ रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, मतलब सेवन नंबर का क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। नंबर एट, प्रॉस्पेरिटी गेंस फ्रेंड, इसका क्या आ जाएगा? ई, एडवर्सिटी ड्राइज डैम। इसके पहले हमने अपोजिट किया था, उसमें भी ये वर्ड आया था, प्रॉस्पेरिटी गेंस फ्रेंड, एडवर्सिटी ड्राइज डैम। नंबर नाइन, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नाइन नंबर का सी आएगा, मतलब एक इंसान की पहचान कैसे होती है? कि जिस तरह की संगत वो रखता है। नंबर टेन, ओनली द वीवर्स नोज वेयर द शू पिंचेस, मतलब पहनने वाले को ही पता है कि जूता कहाँ से काट रहा है। तो फिर टेन नंबर का क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। इलेवन, रोम वॉज नॉट बिल्ट, यहाँ पे आ जाएगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब इलेवन नंबर का आ जाएगा जी। और ट्वेल्व नंबर का, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो और स्टडी विंस द रेस, ये भी आपका प्रोवर्ब ही है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लो और आपको ये पीडीएफ जो भेजूंगी उसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, प्रणाम स्टूडेंट।